आप देख रहे हैं कैस्ट्रॉइड 83। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भूत पिशाच का नाम सुनकर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही बातें जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास भी कोई आत्मा है या नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। यदि आपके घर का बल्ब अजीबोगरीब तरीके से जलता है या बुझता है तो ये एक तरह का संकेत हो सकता है कि आपके पास भी कोई भूत प्रेत आत्मा है। इसके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होती है तो ऐसा होने लगता है। नंबर 2, अगर आपके आसपास का तापमान अचानक कम या ज़्यादा हो जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई भूत आपके नज़दीक हो सकता है, या तो फिर अचानक से ही आपको सर्दी या गर्मी लगने लगती है तो भी समझ जाना चाहिए कि आपके आसपास कोई बुरी आत्मा ज़रूर है। नंबर 3, रात के समय यूं तो घड़ी के टिक टिक सुनाई देती है, लेकिन अगर ये आवाज़ अजीब रूप से तेज सुनाई देने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसे में आपको अपने दिमाग पर काबू रखना है जिससे कि कोई बुरी ताकत आपके दिमाग पर या आपके शरीर पर हावी ना हो सके। नंबर 4, कभी कभी हमें कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जैसे कि किसी के चलने की आवाज़, या तो फिर कुछ खरोचने की आवाज़, या फिर पायल की आवाज़, दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ भी आने लगती है। ये संकेत किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरफ से इशारा करते हैं। नंबर 5, कभी कभी हमें अचानक से बहुत तेज खुशबू आने लगती है। अगर आपके पास किसी उत्तर की महक आती है तो ज़्यादातर ऐसा माना गया है कि ये अच्छी आत्मा होने का संकेत है। अगर कोई लोबान धूप अगरबत्ती की महक आती है तो ये भी एक अच्छी आत्मा होने का संकेत है, और अगर बदबू आती है तो ये बुरी आत्मा होने का संकेत होता है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें आपके लिए जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके पास भी कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो क्या स्टोरी 33 जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।